एनएपीएम का काम बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन हाल ही में पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर तक जो संविधान सम्मान यात्रा देश भर में घूम के आई और उससे एक माहौल बनाया और तुरंत उसके रिजल्ट भी आ गए, कुछ रिजल्ट 24 को मिलेंगे आपको हमारे यात्रा के, लेकिन कुछ रिजल्ट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने दिखा दिए हैं। और इसमें बिल्कुल कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि जब संविधान सम्मान यात्रा के डेट्स तय हो रहे थे तब ये सोचा था कि विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कवर करना है और बाकी क्षेत्र लोकसभा के पहले कवर करना है। तो पहला लिटमस टेस्ट हमने पास किया है, फर्स्ट फेज का रिजल्ट आपके सामने है, थर्ड फेज का रिजल्ट अभी 23 मई को आपको सामने आएगा। लेकिन ये भी बात सही है कि 23 तारीख को भले ही गद्दी पलटेगी, जो भी कोई बैठेगा, एनएपीएम का काम और मजबूती से करने की आवश्यकता बढ़ने वाली है। ये कोई मुमकिन नहीं है अपने जीवन काल में यहाँ बैठे हुए लोगों के कि चलो अभी एनएपीएम को बंद करते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है, तो वो काम शुरू रखना पड़ेगा। इसको लेके ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमें आगे कैसे बढ़ना है ये हम लोग जो सोच रहे हैं, तो हम लोगों ने ये तभी माना था कि ये तो केवल यात्रा के लिए हम एक साथ आ रहे हैं, लेकिन सभी को जो एक कंसर्न है, जो आज के माहौल के संदर्भ में है, जो हमारी बिखरी हुई ताकत के संदर्भ में है, जो एक हमारा जो एक राजनीतिक प्रभाव दबाव भी होना चाहिए इसके संदर्भ में है, वो कैसे जोड़े, ये वाला कंसर्न सभी का था, ये हम लोगों ने महसूस किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ जगह जो औपचारिक राजनीतिक दल है उनके भी साथी हमारे मीटिंगों में भी जुड़े। पूना जैसे जगह जहाँ यात्रा चली तो 12 अलग अलग राजनीतिक दल जो लेफ्ट टू सेंटर है वो और बाकी सारे संगठन वो वहाँ पे शामिल हुए थे। तो ये एक महसूस किया हम लोगों ने कि सब चाहते हैं कि हम एक साथ आए और एक ताकत की तरह बने, ये एहसास लेकर ही आगे बढ़ना है ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। और इसीलिए यह यात्रा के पश्चात वाला जो दौर है जिसमें हम लोगों ने 10 तारीख को दिल्ली में जो हुआ वो अरुंधति ने आपके सामने रखा, उसके बाद 11 तारीख को हम लोग एनएपीएम के साथी सारे और मतलब जुड़ के जो रहने वाले संलग्न संगठनों के साथी वो भी आए थे और दिल्ली में हम एक दीर्घ चर्चा वहाँ पर हुई कि आगे कैसा बढ़ना है। एक संकल्प पत्र है जो अभी वो जो आपके यहाँ रिपोर्ट घूम रहा है उसमें एक संकल्प पत्र है जो एनएपीएम का संकल्प पत्र इस यात्रा के का निचोड़ लेके हम लोगों ने हमारे देश के और अपने भी सामने रखा है, तो उसे लेकर हमें आगे जाना है, एक एक सोच है। और तीसरी बात यह है कि फिर ये अगर करना है, एक बार जो हम लोग ये देखते हैं कि एनएपीएम ये समन्वय है, दूसरे बाजू की समन्वय का भी अपना एक संगठन करना पड़ता है तभी आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अलग अलग ऐसे कई सारे अलायंसेस हैं, खासकर इशू बेस्ड अलायंसेस हैं जिसका हिस्सा एनएपीएम है, तो ऐसे नहीं है कि एनएपीएम ही सारे काम कर रहा है, तो अलग अलग समन्वयों के साथ का जुड़ाव ये भी हमारा एक ये रहा है काम अभी तक रहा है। तो ये सारा ले के आगे कैसे बढ़े ये सोच, मतलब मुझे लगता है कि आज के हमारे चर्चा की भी वो सोच होनी चाहिए ऐसा हमें लगता है। एक उदाहरण दूँ कि हम लोग पूना में काम करते हैं तो अभी हम लोग मतलब शायद सभी जगह ये महसूस करते हैं कि एक अपने अपने आंदोलन की ताकत रहती है, जैसे यहाँ घर बचाओ घर बना आंदोलन की एनएपीएम की सबसे बड़ी ताकत, मतलब घर बचाओ घर बना आंदोलन के संगठन की ताकत ये मुंबई एनएपीएम की सबसे बड़ी ताकत, तो जो घर बचाओ घर बना आंदोलन के इश्यूज़ होंगे, जो शहरी गरीबों का सवाल हो या शहर विकास नियोजन का सवाल हो उस पर हम लोग काम करते हैं, ये हमारा बेसिक काम यहाँ पे अगर होता है। लेकिन मुंबई के और जो मुद्दे होते हैं और एक स्टेट और नेशनल लेवल के भी मुद्दे हैं जिसको जिसके चलते हम लोग अपने अलायंसेस जो अलग अलग अलायंसेस है उसके साथ काम करते हैं, हम पूना में और बाकी जगह भी वही देखते हैं और ऐसा दिख रहा है आजकल पिछले 2-3 सालों से, खासकर मोदी की कृपा है हम पे कि हम लोग महसूस करते हैं कि हमें साथ आए बगैर नहीं चले। तो इसलिए मतलब पिछले एक महीने के अंदर मैं आपको बताऊँ कि वो करकरे जी के बारे में जो प्रज्ञा ने कहा बात वो हो, या दलित एट्रोसिटी वाली जो बात पूना के नज़दीक ही घटी,
कि जहाँ अपने माँ के साथ ही ये करने के लिए बोला गया वाली बात, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। या अभी अर्बन नक्सल का जो मुद्दा लेकर पुणे में ही सब जेल में है, तो पुणे में ही वह सारा चलता है, तो सब हमारे समविचारी लोगों का समन्वय बनता ही जा रहा है। और सब जो कार्यक्रम होते हैं आजकल, तो हम सब मिलके करते हैं, ये हर जगह हम लोग देखते हैं। तो मेरा कहना ये था, मतलब मेरा एक विचार ये अभी आपके सामने रखना है कि जो अपना अपने 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 संगठनों के अपने अपने प्रक्रियाओं के जो मुख्य काम रहेंगे, वो तो अपने अपने चलेंगे, उसमें बाकी साथी साथ आएंगे, लेकिन सब मिलके भी क्या कर सकते हैं और हमारा एक कारवा कैसा बढ़ता है वो भी देखना, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि इसके चलते हम लोगों को NAPM की अभी एक जो प्रक्रिया चलती है, तो हमें हमारा नेशनल कन्वेंशन जो पिछले नवंबर या दिसंबर में होना प्रस्तावित था, लेकिन यात्रा के चलते हम लोगों ने वो आगे देखे गए और अभी फिर इलेक्शन की वजह से और आगे चला है। तो अक्टूबर नवंबर में वो प्रक्रिया हमारी होगी जब नेशनल कन्वेंशन होगा, और इसके बीच हमें स्टेट कन्वेंशंस लेने हैं। तो महाराष्ट्र के खासकर बात संदर्भ में ये कहूँगी कि महाराष्ट्र के भी स्टेट की प्रक्रिया हमें आगे चलानी है अगले 2 महीनों में। तो ये जो प्रक्रिया है ये, और ये जो संदर्भ है पूरा कि यात्रा के दरमियान की जो एक माहौल बनने वाली बात है, एक बिरादरी वाली बात है, वो लेते हुए हमारी ताकत, एक समन्वय की भी ताकत कैसे और बढ़े, और समन्वय के संगठन की ताकत भी कैसे बढ़े, इस तरह से हमें, मुझे लगता है कि आगे की चर्चा में भी अगर ये सोचा जाए तो अभी तक ये रहा है हमने महाराष्ट्र में ये किया है कि रीजन वाइज हम लोगों ने कन्वीनर्स टीम बनाए हैं। जैसे मुंबई में भी, मुंबई के भी काम देखने वाले साथी हैं, वो महाराष्ट्र के समन्वय का हिस्सा रहते हैं। उस तरह से विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, और कोकण और मुंबई, ऐसा एक ऐसी एक प्रक्रिया हमारी चलती है जिसके तहत वो NAPM का संगठन बनता है। तो मेरा मतलब इसे जोड़ के मुझे ये कहना है कि आगे 2 महीनों के अंदर हमारा जो संगठनात्मक पूरा प्रक्रिया करना है, उसका भी मुंबई के बारे में खास करके क्या हो सकता है, क्योंकि हम मुंबई के साथ यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर, तो वो लोग तय करें कि ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़े। दूसरा ये भी मुझे लगता है कि जो अलग अलग समन्वय है उसमें हमारा हिस्सा कैसे बढ़े, और हम सब लोगों की ताकत कैसे बढ़े, इसके बारे में हम लोग तय करें। और कन्वेंशन के लिए खासकर मेंबरशिप की प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें हम बहुत लूज हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों में हम लोगों ने तैयारी करके अगर ये प्रक्रिया चलाए हम लोग, तो जो हमें जो एक ऐसी कमियां दिखती है कभी कभी कि थोड़ा लूज स्ट्रक्चर वाला, उससे जो थोड़ी कमियां हमें ही खलती है, वो थोड़ा सा और सशक्तता से हम बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। असल में मोटे तौर पर हमारी सबकी खोज ये है कि कम से कम 3 जगह पर इंटरवेंशन हो सकता है। स्थानिक स्तर पर खोज ये होती है कि स्थानिक स्ट्रगल, स्थानिक संघर्ष को में शक्ति कैसे हम लोग जोड़ पाए, ये एक स्थानिक स्तर की हमारी खोज होती है। उसके साथ व्यापक राज्य स्तर पर प्रक्रिया करके एक असरदार तरीके से कैसे हम लोग राज्य स्तर की प्रक्रिया चलाए, ये दूसरा एक स्तर है। और राष्ट्रीय कहना ठीक नहीं लगता कई बार, नेशनल राष्ट्रीय वगैरह, व्यापक स्तर पर कई ऐसे बार बार अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें से एक दूसरे की शक्ति बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जैसे यात्राएं हैं, देश बचाओ देश बनाओ यात्रा बनी, ये यात्रा हुई, तो कभी कभी यात्रा, अलग अलग यात्रा। दूसरे तरह के व्यापक स्तर के कार्यक्रम ये होते हैं, एक मुद्दा बना के उस पर सत्याग्रह संघर्ष अड़के बैठे, जैसे एनरॉन हुआ था। उसके बाद कई बार ऐसे मुद्दे, नर्मदा के मुद्दे को लेकर दिल्ली में जाके सब लोग बैठ गए, तो एक संघर्ष का मोर्चा सब लोग ने मिलकर खोला। ये इंटरवेंशन का व्यापक स्तर का ये है। और तीसरा, जनसंसद जैसे लोक शक्ति बढ़े, ऐसे लोक जागृति, लोक शक्ति, लोक शिक्षण के अलग अलग स्तर के कार्यक्रम, ये मोटे तौर पर प्रक्रिया है। अगर साथ आना है, जुड़ाव करना है, समन्वय करना है, एक दूसरे की शक्ति बढ़ानी है, तो ये कुछ हो रहा है, ये
सार के तौर पर कह रहा हूँ, एनएपीएम में जो हुआ है पिछले कुछ समय में, तो आज एक तरह से 25 साल हो गए हैं, करीब करीब 25 साल हो चुके हैं। एक नया जनरेशन चार्ज, एक नए पीढ़ी ने चार्ज लिया है, तो एनएपीएम की दूसरी पीढ़ी आज इसका नेतृत्व कर रही है एक तरह से देखे, और उसमें सामूहिक नेतृत्व का चरित्र एक तरह से बड़ा है। पहले एनएपीएम की कन्वीनर्स मीटिंग सिर्फ कन्वीनर्स तक होती थी, अब राज्य और जिला स्तर के कन्वीनर्स तक की मीटिंग, 50-60 लोगों की मीटिंग, जिसमें सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और स्थानिक प्रोसेस को मजबूती देने की कोशिश, ये सब के चलते अलग अलग जो मीटिंग होती है, इसमें आखिरी मीटिंग वर्धा में हुई जिसका जिक्र हमारे साथियों ने किया, तो उसमें कुछ संगठन के पहलू की सदस्यता कैसी हो, सदस्य कौन कौन कैसे हो सके, निर्णय प्रक्रिया कैसी हो, ये सब प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन करने की और आज के संदर्भ में ज़्यादा असरदार बनाने की कोशिश करने की चलते ये सब वर्धा में काफ़ी लंबी चर्चा हुई। खोज सतत ये जारी है कि हमारे आंदोलनों का समन्वय, प्रक्रिया का जनाधार, आर्थिक स्रोतों का भी जनाधार कैसे बढ़े, इस पर हम लोग अभी सोच रहे हैं, किस तरह से एनजीओाइजेशन के संदर्भ में उस दुनिया में हम लोग अपना अलग रास्ता, आर्थिक संसाधन जुटाने का कैसा हो, तो ये गंभीर सोच का विषय है, बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ सोच का विषय नहीं, चुनौती भी बहुत बड़ी है, तो इससे हम लोग आज जूझ रहे हैं, इसका जवाब मिले इस विश्वास के साथ इसके साथ जूझ रहे हैं, ये वर्धा की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और फिर इसमें से अलग अलग तरह से हम लोग इसको फैलाते हुए एक दूसरे की शक्ति कैसे बढ़ाए, ये खोज का, ये एक तरह से देखे तो इस प्रक्रिया का बम्बई, ये पहला एक तरह से मराठी में टप्पा कहते हैं, कदम कहें हिंदी में, ये है।